प्रेगनेंसी में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जिससे कि बेबी का डेवलपमेंट रुक जाता है, बेबी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। क्या माँ से भी ऐसी गलतियां होती हैं? जी हाँ, जाने या अनजाने में ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आप ढेरों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हर दिन हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर दिया है। प्रेगनेंसी में जो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं आपके साथ में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में उतार चढ़ाव होता है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उठने बैठने की दिक्कत, खाने में इतनी ज्यादा चीजों से प्रॉब्लम होती है कि ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप सही क्या कर रहे हो और गलत क्या कर रहे हो, आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। ये स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन अवेयरनेस के लिए ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जानकारी लें और अपना पूरा ख्याल रखें ताकि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो, मजबूत हो, तंदुरुस्त हो और सुरक्षित डिलीवर हो सके। सबसे पहली चीज है डाइट इश्यूज। ये हम देखते हैं अक्सर कि एक दो चीजों से आपको प्रॉब्लम हो, सपोज अंजीर मुनक्का से प्रॉब्लम हो गई, अब आपने ड्राई फ्रूट ही खाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, जिस चीज से प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा साइकोलॉजी को भी ट्रीट करें पॉजिटिवली कि जिस चीज से प्रॉब्लम है, जिसकी स्मेल से प्रॉब्लम है, उस चीज को नजर से दूर हटा दें, किसी डब्बे में रख दें, अंदर की तरफ रख दें, अलमारी में डाल दें, सामने वो आपके बार बार रहेगी तो आपका मन बार बार उस चीज पे जाएगा और वो ऑड फीलिंग जो उसको खाने के बाद आपको हुई थी, वॉमिटिंग हुई थी और उसकी स्मेल से प्रॉब्लम हुई थी, वो बार बार रेजोनेट होगा और इस तरीके से आप वही सारे चीजों को खाने से बचेंगे, डरेंगे, अरे नहीं इसे तो उसी के जैसा लगता है ऐसा। तो जो फूड आपको ठीक नहीं लगता उसको आप दूर हटाएं। सपोज अनाज से प्रॉब्लम, चावल नहीं खाया जा रहा तो सामा खा लीजिए, आप दूसरे मिलेट्स हैं उसका दलिया बना के खा लीजिए, मक्की का दलिया बना के खा लीजिए और अलग अलग वैरायटी के अनाज है उनको खा सकते हैं। किसी एक दाल से प्रॉब्लम है तो दालें कई होती हैं, बदल बदल के इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो डाइट इश्यूज फीमेल को होते हैं तो बस वो खाना पीना छोड़ देती हैं और बैलेंस डाइट से हट जाती है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो बच्चे का निर्माण होगा कैसे, क्योंकि बैलेंस डाइट में आपको अनाज, प्रोटीन, फल सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सबको खाना है। बॉडी बिल्डिंग फूड भी चाहिए, प्रोडक्टिव फूड भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फॉलेट वगैरह। तो एक संतुलित आहार जो कहा जाता है वो प्रेगनेंसी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा सा प्रोटीन खा लिया, जरूरत पूरी, आपको कार्ब्स चाहिए, आपको गुड फैट चाहिए ना, आपको फाइबर भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो डाइट इश्यूज ना क्रिएट होने दें। हर चीज के कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं। कुछ दिन अगर आप हटा देंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि 15-20 दिन में फिर से मन अच्छा हो जाए और आप उसे खा पाए। तो इस तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस रखने का कोशिश आपको करना है, क्रेविंग्स टेम्पर करनी है, पर ये नहीं कि जो फूड के लिए क्रेव आपको हो रहा है केवल उसी को खाया, आपको सभी फूड को प्रायोरिटी देनी है। दूसरी जो प्रॉब्लम देखी जाती है प्रेगनेंसी में, लेथार्जिक लाइफस्टाइल। आप प्रेगनेंट हैं तो वो कमजोरी होती है, नींद आती है, रात को नींद नहीं आती तो दिन में एकदम बुझे बुझे से रहते हो आप, तो एक दो घंटा रेस्ट करें, लेकिन आप थोड़ा वॉक जरूर करें। इवन घर से हर दिन बाहर जरूर निकले, एक बार को घर से जब आप बाहर निकलेंगे, टेरेस पे थोड़ा टहलेंगे, घर से बाहर जाके टहलें, घूमें, सब्जी लेकर आए, छोटे छोटे से काम जितना आप कर सकती हैं वो करें, घर के बाहर निकलने वाले, घर के आसपास वाले, तो उससे आपका मूड अच्छा होगा, जो लेथार्जी होती है मूड में, बॉडी में, वो खत्म होगी और इससे आप चेयरफुल रहेंगी तो आपकी भूख पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, आपकी स्लीप पर भी पड़ेगा और इसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। तो लेथार्जिक लाइफस्टाइल से आपको टोटली बचना है, पड़े रहना, धीरे धीरे कोई काम करना, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, डिप्रेसिव और सैड वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, चीयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए आपको प्रेगनेंसी में। कई बार बहुत क्रेविंग होती है तो हम कुछ चीज़ें खाते हैं लेकिन उनको खाने से स्टमक अपसेट हो जाता है, जैसे मैदे की चीज़ें खा ली, नूडल्स खा लिए, चाहे बाहर का नहीं घर का ही खाया हो आपने, घर में प्रिपेयर करके खाया हो, नूडल्स एंड मोमोज खा लिए, तो कोशिश करें कि प्रोसेस्ड चीज़ों की बजाय आप होल ग्रेन अनाज और उसके आटे का इस्तेमाल करें चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो कई बार ऐसी चीज़ें खाने से स्टमक अपसेट होता है, जैसे कि आपने हाई जीआई लोड वाला फूड खाया तो उससे आपको दिन भर भूख नहीं लगी, तो आपका बाकी मील या फ्रूट्स खाने का टाइम था वो स्किप हो गया और स्टमक भी अपसेट हो गया, दो एक दिन तक अच्छी भूख नहीं लग रही, आपने कुछ स्पाइसी नान एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा ली। ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो हैवी होता है पचने में, जिसको पचाने में बॉडी को अगले 6 घंटे लग जाने और आपका जो टाइम है मील का या नट्स का या फ्रूट्स का वो स्किप हो जाए, ऐसे काम नहीं करने। थोड़ा खाना है,
सुपाच्य जिसको कहते हैं इजी टू डाइजेस्ट फूड को खाना है, इससे आप अपने फूड को इंजॉय कर पाओगे टाइम टाइम से। हैवी फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, जिससे कि स्टमक अपसेट होता है आपको, सपोज किसी फूड से आपको गैस होती है, अपसेट होता है पेट, वो चीज़ छोड़ दीजिए, उसको कम खाइए या उसको सही फॉर्म करके खाइए। सपोज आप राजमा छोले खाते हो, आप उसे 10 घंटे सोक करें, उसके बाद उसको बॉईल करें, बॉईल किया हुआ पानी हटा दें, तब उस राजमा छोले को इस्तेमाल करें, गैस कम बनेगी, क्योंकि उसके अंदर की गैस पैदा करने वाले कारकों को आपने सोकिंग और बॉइलिंग से निकाल दिया है। ये कुकिंग मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम अपने फूड को बेटर और डाइजेस्टेबल बना पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फूड को खाएं। फ्रिक्वेंट स्टमक अपसेट आपको नहीं होने देना, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बिना ध्यान दिए आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि आपको फीवर हो जा रहा है, आपको कोल्ड एंड कफ हो जा रहा है, आपने ठंडा गर्म ले लिया, आइसक्रीम खा ली या कुछ ऐसा कर लिया, एकदम से सुबह को बालकोनी में चले गए या गार्डन चले गए और शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं तो ठंड लग गई, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आपको उन सभी रीजन से जो आपकी लाइफ में पैदा हो जाते हैं आपके साथ बचना है, जैसे कोल्ड कफ, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, जो भी आपको बनता है उनसे बचना है। रिपीटेड जब आपको इन्फेक्शन होगा तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, न्यूट्रिशन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपके बच्चे का ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो रिपीटेड इन्फेक्शन से आप बच के रहें, अपना पूरा ख्याल रखें। और हाँ, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, वेदर ट्रांजिशन में ख्याल कैसे रखना है, इस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया है, देखें, सीखें और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।